कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त कृषि कानून को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जेपी नड्डा के सवालों से बचते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नड्डा के सवालों का जवाब क्यों दूं, क्या वो मेरे प्रोफेसर हैं? देखिए, जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो उसको सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी, जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे। तो सवाल कई सारे पूछे गए थे, चीन को लेकर सवाल पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू को लेकर सवाल पूछा गया था, ये भी पूछा गया कि किसानों को आप बहकाना गुमराह करना कब छोड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं उनके सवालों का जवाब क्यों दूं, क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं? देखिए, मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हां, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा धर्म है। मैं उनसे भी ज्यादा फनेटिक हूं, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना। आपको रियलिटी दिख रही है, आप नहीं कह पाते हो, आप मेरे पास आके कहते हो। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है और इससे हम लड़ेंगे। थैंक यू सर, दोबारा फिर किसानों पर फोकस लाते हुए मौसमी फ्रॉम आज तक। राहुल, आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोग सिंघू लगातार जा रहे हैं और वहाँ पे कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उनको शहादत शहीद का दर्जा वहाँ पे दिया जा रहा है, पर अगर आप देखिए तो लगातार इस तरह का सरकार भी एफिडेविट कोर्ट में दे रही है कि खालिस्तानी एलिमेंट है और वहाँ पे ऐसे संगठन है जो देश को विभाजित करने करना चाहते हैं ठंड के वजह से, खालिस्तानी। देखिए, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है, ये इनकी अप्रोच है। हम जो बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रही है, कोरोना के हमें प्रॉब्लम दिखी, हमने बोला, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला, एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए, आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, ये आप मत कीजिए, आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते हैं, ये सोचना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया है, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो, ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है, और बोलने में ये टॉप ग्रेड है, बट सोचते नहीं है। और देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। थैंक यू, आई गो वन बाय वन। अनूप वाजपेयी जी फ्रॉम अमर उजाला।
We should conclude now. After one more question. उनकी स्टाइल ही नहीं है, अब उनकी स्टाइल ही नहीं है, तरीका ही नहीं है उनका, उनका उनकी दूसरी अप्रोच है। हाँ, तो मेरे बोलने से क्या फायदा? I'll come to you. Sunil Prabhu from NDTV. Sir, I'm sorry, I'm not attempting to distract, but just going on Raman's point about the leadership team and how you take it forward. I'm not going to get into that. I respect that. Because the idea is to take it somewhere else, I'm not going there. But my point is that you have been fighting the Congress party and the opposition, be it in parliament and elsewhere, compared to the president and everywhere. All options seem to be out, and now you yourself pointed out the media is not there, the judiciary is compromised, there is a parliament which is compromised. Where will justice come for the farmers? That is the critical issue, and especially in the fact that there is a leadership crisis within the opposition. I believe in the spirit of this country. I do not believe that you can impose slavery on this country. I do not believe this country will accept 5 or 6 people owning it. I don't believe it. So where will the resistance come from? It will come from the people of India. Our job is to highlight what is going on to the people of India. We are struggling. Why? Because the instrument of transmission is not controlled by us. Right? So the press is not controlled by us. We don't have the thousands of crores of rupees that Narendra Modi ji has. We cannot put thousands of crores of rupees in social media. We cannot. But this is an advantage for us, because it forces us to be pure. It forces us to be honest. It forces us to tell the truth. This is good. I don't have a problem with it. I think broadly I will tell you, if you step back a little bit, what has happened is that the vision that India had for itself from the 90s has collapsed. What used to work in the 1990s does not work anymore. So India requires a new vision. It requires a new imagination. And this is all the turbulence that is taking place because India does not have a vision. And Congress Party's job and its skill is in providing that vision. So you will see that we will provide India with that vision. There are many, many, many millions of people in India who do not accept this nonsense that is going on in the country. And they understand that there is a massive failure taking place. We used to be a preeminent economy in the world. We are laughing stock. We are complete laughing stock. We cannot give our youngsters jobs. Our farmers are sitting outside in the cold. I don't know why Narendra Modi ji thinks this is something to be proud of. This is something to be ashamed of. The whole world is looking and saying, what is going on? Why are lakhs of farmers sitting outside Delhi? So he is destroying India's image, which the Congress has built. Slowly, 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 Mahatma Gandhi first. Slowly we've built it. Usko uda raha hai. Matlab, phad phud ke phek rahe. So that is the reality. We need to conclude. I'll go to Vijay Lakshmi first. भट्टा पासवाल में हम सरकार में थे. प्लीज टेल हिम टू रीड द न्यूज़पेपर्स. और कर्जा माफ हमने 72,000 करोड़ रुपए किया. और लैंड एक्विजिशन बिल में हमने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में पास नहीं किया था, हम सरकार में थे. बट एनीवे, जेपी नड्डा इज नॉट एनीबडी आई एम आंसरिंग टू. बहुत बहुत शुक्रिया सामिया. Capitol Hill, but he's not spoken a word about the farmers who have been dying at the border. What do you make of the Prime Minister's silence on several farmers who lost their lives at the border? Well, I remember the Prime Minister saying, "Is bar Trump Sarkar." आगे बढ़ते हैं. किसान आंदोलन का आज 55